हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर क्रिश वैद्य, वेलकम टू आईक्यू डॉक्टर चैनल। आज हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द डेंजर्स ऑफ आरओ वाटर। आरओ वाटर कितना खतरनाक है आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के हेल्थ के लिए, उसके बारे में आपके साथ आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा होगा, उसको एंड तक देखिएगा। आरओ वाटर क्या क्या हेल्थ रिस्क करता है और उससे कैसे बचा जाए और करना क्या है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। सो प्लीज एंड तक बने रहिएगा। पहले तो समझते हैं कि ये आरओ क्या है, पानी क्या है। पानी जो है अपने शरीर का 70% से 80% भाग बनाता है। अपना शरीर दिखने में सॉलिड लगता है पर वो पानी है। पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई बात जानता है। EDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, राइट। पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और कई सारे ऐसे वाइटल मिनरल्स, ये जो हमारा शरीर जो है उसके बिना काम नहीं कर सकता। उस चीजों को सबको मिला के बनते हैं TDS। अब इस TDS जो है उसको एक विलन की तरह आरओ कंपनियां प्रेजेंट करती है कि जैसे अरे पानी में तो TDS ज्यादा है, आप तो ये होगा, आपको पथरी होगी, आपकी हेल्थ रिस्क है। वो सारी बातें गलत है। TDS एक बहुत काम की चीज है। WHO ने साफ साफ साबित किया है कि मिनिमम पानी में 300 से प्लस TDS होने चाहिए। 300 से 600 TDS होते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। पर क्या आप जानते हैं, अच्छे स्वाद के चक्कर में इस TDS को आरओ कंपनियां घटा देती है। और कोई भी जो आरओ का प्लांट होता है, अगर आपके घर में आप TDS चेक करेंगे तो वो 100 या 100 के नीचे होते हैं, जिसको WHO डीमिनरलाइज्ड वाटर कहता है, यानी कि बिना मिनरल का पानी, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं बैटरी में, राइट। अब खाने को तो हम छेड़ ही चुके हैं, है ना, खाने की जो भी चीजें हैं उसको तो हम पूरी कर ही चुके हैं स्वाद के चक्कर में, बर्गर्स हैं, पिज्जा है, वो सब चक्कर में। सो एक पानी बचा था, उसको भी आरओ करके हमने टेस्ट के चक्कर में या सॉफ्ट बनाने के चक्कर में उसको भी हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया। उसके हेल्थ रिस्क क्या है, डिटेल में थोड़ा इसमें जाते हैं। और प्लीज ये सारी डिटेल्स जो है वो ध्यान से देखिए और समझिए कि क्यों TDS कम रखना अपने लिए डेंजरस है, राइट। सो WHO की वेबसाइट पे ही 12 टोटल साइड इफेक्ट्स या हार्म लिखे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो रिस्क है वो है बॉडी एड्स मिनरल टू वाटर, राइट। पेशाब जब बनता है, जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही फॉर्म हो जाता है। यूरिन हमेशा पीले कलर का और मिनरल्स के सहित होता है, तभी जाके किडनी उसको फिल्टर कर पाती है और सारा कचरा बाहर निकाल सकती है। जो ब्लड सेल है वो भी कुछ कुछ सॉलिड्स और जो TDS होते हैं उनके कंपाउंड से बनते हैं। जैसे ही हम डीमिनरलाइज्ड वाटर या लो TDS वाला पानी पीते हैं, रेड ब्लड सेल की कमी होती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसके कारण एनीमिया, खून की कमी, जो हीमोग्लोबिन, वो सारी चीजें, दिक्कतें शुरू हो जाती है। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। आजकल हाई BP कोई भी उम्र में हो रहा है, किसी भी आदमी को ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, तो उसका जो कारण है वो भी यही है। इसके कारण बॉडी में जो अच्छे प्रेशर को बनाए रखने वाले जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं। और चौथा नुकसान की अगर हम बात करें तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, कोई भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, वो सारे वाइटल ऑर्गन्स की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। दूसरा रिस्क है टायर्डनेस, वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, हेडेक्स, ये सारी चीजें जो जनरल आप सबको होती है। हार्ट हेल्थ है वो भी बहुत ही इसके कारण बिगड़ती है। आजकल जो अर्ली हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो भी हार्ट में ऑलरेडी हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं, उनकी हेल्थ ज्यादा खराब हो रही है। अर्ली CVD यानी कि कार्डियोवास्कुलर डेथ हो रही है, उसके लिए भी लो TDS जरूरी है। हार्ट के लिए पोटेशियम एंड मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि डीमिनरलाइज्ड वाटर लेने से खत्म हो जाते हैं। दूसरा नुकसान है हाई रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर डीमिनरलाइज्ड पानी, आरओ का पानी पीने के कारण फ्रैक्चर्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, WHO है, बार बार ये चीज कह रहा है कि आरओ वाटर बच्चों को मत दो या लो TDS वाला पानी बच्चों को मत पिलाओ, उनमें फ्रैक्चर की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। सो बच्चों में
आरओ वाटर बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट है प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है अगर वो आरओ वाटर ज्यादा कंज्यूम करती है तो उनको प्रीटर्म डिलीवरी यानी कि पूरे 9 महीने ना होते हुए पहले डिलीवरी आने के रिस्क काफी ज्यादा हो जाती है और जो बच्चा पैदा होता है वो भी लो बर्थ वेट का पैदा होता है। सो इट इज अ बिग थिंग। सो आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको प्लीज आरओ वाटर मत दीजिएगा या एटलीस्ट टीडीएस जो है वो देख के दीजिएगा। नेक्स्ट जो नुकसान आता है वो है सम टाइप ऑफ कैंसर्स, राइट। कुछ कुछ बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो माने गए हैं कि वो लो टीडीएस वाला पानी पीने से होते हैं, क्योंकि जो टीडीएस होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें बॉडी को एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वो रखते हैं यानी कि बॉडी को कैंसर से बचाते हैं। सो अगर आप वो मिनरल्स निकाल दे रहे हैं तो कैंसर की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा नुकसान है प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, प्री एक्लेम्शियास, राइट। जो भी प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो अगर डीमिनरलाइज पानी पीती है तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर पोस्ट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे भी डिसऑर्डर्स जैसे कि मेंटल हेल्थ खराब होना, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वो सारी प्रेग्नेंट फीमेल में चीज़ें हो सकती हैं। प्री एक्लेम्शिया तक उस रिस्क है वो है थायरॉयड डिसऑर्डर्स। अगर आप लो टीडीएस वाला पानी पीते हैं तो थायरॉयड ग्लैंड जो होती है अपनी उसका फंक्शन भी खराब हो जाता है। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट की शिकायत से आजकल बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, थोड़ा भी चीज़ है कुछ बाहर का खा लिया तो पेट खराब हो रहा है, राइट। तो इसका कारण भी लो टीडीएस वाला पानी है। जूसेस हैं वो सारे अपने टीडीएस के यानी कि जो भी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड पानी में होता है उसके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं। सो जब आप लो टीडीएस का या आरओ वाटर लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस भी कम मात्रा में बनते हैं जिसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनडाइजेशन और वो सारी चीज़ें होती है, और सिर्फ एसिड न्यूट्रलाइजेशन करने वाले जो मिनरल होते हैं वो नहीं बनते हैं, उसके कारण एसिड बढ़ जाता है और एसिडिटी की शिकायत भी होती है। सो अभी समझते हैं कि डिफरेंस क्या है आरओ और नॉर्मल यूवी और दूसरे फिल्टर्स के अंदर। पानी जो होता है उसको हमें प्योरीफाई करना है जिसके कारण उसमें से अनहेल्दी बैक्टीरियाज, हार्मफुल केमिकल्स और दूसरी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो निकल जाए। पानी को हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता है, राइट। सो लोग समझते हैं आरओ यानी ओके आरओ जो भी फिल्टर होते हैं सबको आरओ ही बोल दिया, पर ये चीज़ें अलग अलग हैं। आरओ अलग है जो भी प्योरीफायर होते हैं उसके अंदर कैंडल होती है जो कि फिल्टर करती है, कार्बन कैंडल जिसको बोलते हैं, और अल्ट्रावायलेट होता है जो कि बैक्टीरिया मारना और बाकी जो चीज़ें हैं वो काम करता है। सो आरओ अलग है। आरओ क्या करता है, आरओ में एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर से प्रेशर से पानी को पास किया जाता है और जो कि पानी को एक समझते हैं छोटी बात में कि एकदम क्लोजली करके एकदम डीप फिल्टर कर देता है, ना सिर्फ अशुद्धियाँ बल्कि जो भी मिनरल है वो भी सारा निकाल देता है, राइट। सो आरओ अलग है। दूसरे जो फिल्टर हैं यूवी फिल्टर जो पहले के ज़माने में आते थे, एक्वागार्ड है, कैंट है, कोई भी अच्छी कंपनी के, राइट, फिल्टर जिसमें यूवी हो और कैंडल हो जो पानी पीछे से छोड़ते नहीं हैं, जब आपका मशीन जो आरओ होता है वो आप चालू करेंगे तो वो पानी थोड़ा निकालेगा भी और पानी फिल्टर भी करेगा। सो अगर वो पानी जो वेस्ट निकल रहा है मतलब कि वो आरओ मशीन है, वो हमें नहीं चाहिए। सो टीडीएस यानी कि सॉलिड्स पानी के अंदर कितना होना चाहिए, आरओ कंपनियों की वेबसाइट पर जाइए, वो लोग क्लेम करेंगे कि जितना कम हो उतना अच्छा, या कोई कोई कंपनी जब गवर्नमेंट उनको लताड़ मारती है तब बोलती है कि नहीं 200 टीडीएस हो तो अच्छा है, 200 से 400, पर ये सब थोड़ी मरोड़ने वाली बात है। अगर WHO की ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वो साफ साफ कहते हैं कि 300 से 600 वाला पानी अच्छा है, 600 से 900 टीडीएस तक का पानी फेयर है, वो भी आप पी सकते हैं, 1200 टीडीएस के ऊपर का पानी नहीं पीना है, राइट। अब 1200 से ऊपर पानी जो है वो हेल्थ रिस्क में आता है, 200 टीडीएस वाला हेल्थ रिस्क में नहीं आता है, राइट। अगर आप आपके टैंक का वाटर, जमीन का वाटर, कॉरपोरेशन का वाटर, उसका टीडीएस आप एक ग्लास में भर के आप चेक करिए तो वो कभी भी 1200 से ऊपर तो नहीं आएगा। की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि एनवायरमेंट हेल्थ और सबकी बहुत अच्छे से देखभाल रखता है, गवर्नमेंट का जो बॉडी है, वो कहता है कि अगर जिस भी एरिया में 500 टीडीएस से कम जो एरिया में है करके या 500 टीडीएस के आसपास जिस एरिया में पानी में मात्रा होती है वहां पे आरओ
का प्लांट या आरओ के ये सब जो आते हैं डिब्बे, वो बैन होने चाहिए। यानी कि जिनके घर में भी 500 टीडीएस का पानी है या उससे नीचे है, उनके यहाँ पे आरओ तो होना ही नहीं चाहिए। जल ही जीवन है, पानी के साथ खिलवाड़ बंद करना है। आरओ वाटर छोड़ के सिंपल एक्वागार्ड, कैंट या कोई भी कंपनी का यूवी फिल्टर ही लेना है। टीडीएस मीटर परचेज करना है और टीडीएस मीटर अमेजोन से लेके घर का टैप वाटर का, कॉर्पोरेशन के पानी का टीडीएस चेक करें। टीडीएस को 300 से 600 के बीच में रखना है। 600 से ऊपर हो, 900 तक, तो भी डरना नहीं है, वो पानी आपके लिए सेहतमंद है। कोई भी किडनी की पथरी बथरी ऐसे नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छा कंटेंट, सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और इस वीडियो को कृपया अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिसके कारण किसी की जान बच सकती है, किसी की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई क्योर।